फीस दिया और उसके बदले आपको क्या होता है, कॉलेज में आपको पढ़ाई करने देते हैं, लेकिन वो कंपलसरी फी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, वो इस सेंस में कंपलसरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कॉलेज में नहीं पढ़ते तो फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जी टैक्सेस के साथ ऐसा नहीं है। टैक्स इज बेसिकली कंपलसरी फी, सर, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू पे टैक्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि आपको मैंडेटरली टैक्स देना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, आपको टैक्सेस देने ही होंगे, चाहे वो हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जी तो टैक्स का मतलब क्या हुआ, टैक्स इज ए कंपलसरी फी, सर, देर इज नो नो रिटर्न फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। यू कैन से गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज टू गिव यू एनीथिंग इन द रिटर्न ऑफ टैक्सेस। सरकार कोई वो नहीं बताती कि हम इस टैक्स को कहाँ पे खर्च करेंगे। सर, जो टैक्सेस हम देते हैं सर, उसका सर सरकार द्वारा कोई निर्धारित वो नहीं दिया जाता कि हम इस टैक्सेस को कहाँ पे खर्च करेंगे, या शिक्षा पे करेंगे, या सड़कों पे करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट, यू कैन नॉट आस्क द गवर्नमेंट, दिस इज नॉट योर राइट कि गवर्नमेंट हमको बताए। गवर्नमेंट किसी पे भी खर्च कर सकती है, हालांकि ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आपको बताती भी है। जैसे जो बजट आता है वो जी सर, बजट क्या होता है, जो एनुअल बजट प्रेजेंटेशन होता है उसमें यही तो सारी चीजें होती हैं कि रेवेन्यू कहां से आया और रेवेन्यू कहां खर्च होगा, ठीक है ना। तो टैक्स इज बेसिकली कंपलसरी फी, मैंडेटरी फी, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन लॉज टू पे टैक्सेस बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये दो ही, इसका कोई तीसरा तरह का तरीका नहीं होता, और कोई टैक्स नहीं है तीसरा, दो ही तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ अंतर बताइए। सर, डायरेक्ट, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हिंदी में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका क्या बोलते हैं, बट इफेक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन, इफेक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब मैं इसको समझा रहा हूं आपको, यानी डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस व्यक्ति पर वो लगाया जाता है उसी पर ही उसका प्रभाव पड़ता है, जिस पर लगाया जाता है वो क्या है, इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, और प्रभाव जिस पर लगाया जाता है उसी पर प्रभाव पड़ता है, ये हो गया इफेक्ट, यानी इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन द सेम पर्सन। मतलब ये कि वो व्यक्ति उस जो जिस पर वो टैक्स लगा है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, जैसे इनकम टैक्स है, अगर आपकी इनकम है मान लीजिए 10 लाख है, तो सब कुछ सेविंग स्कीम वगैरह निकाल के भी आपको लगभग 1.5 लाख रुपए टैक्स देना ही होगा, जिसमें कुछ सेविंग्स कर लेते हो आप, उसमें एग्जेम्पशन देती है गवर्नमेंट,
छूट देती है। तो डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ द टैक्स डायरेक्ट टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। जैसे इनकम टैक्स हुआ मैंने बताया आपको, एक कॉर्पोरेट टैक्स हुआ कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ वो भी डायरेक्ट टैक्स है। आपका कैपिटल गेन्स टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स जो जैसे कोई आपने मान लीजिए प्लॉट बेचा, जमीन बेची अपनी, जमीन मतलब कॉमर्शियल नॉट एग्रीकल्चर, जैसे आपने कोई प्लॉट बेचा, आपने 10 लाख का लिया था, आपने 15 लाख का बेचा, तो 5 लाख पर कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब कैपिटल आपने गेन करी, जो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, तो 5 लाख पर वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसके अलग अलग स्लैब्स भी हैं बट इतना समझ लीजिए मोटा मोटा कि कैपिटल गेन्स टैक्स वो आपकी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, सेल एंड परचेज ऑफ दी फिक्स एसेट्स जैसे लैंड लैंड वगैरह। और कौन सा डायरेक्ट टैक्स हो सकता है? सर निगम कर हो सकता है और सर उपहार कर हो सकता हाँ मतलब कहने का ये कि ऐसा टैक्स जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसको ही अपनी चाहे प्रॉपर्टी से, चाहे अपनी इनकम से, चाहे अपनी सेविंग से, जैसे चाहे वो दे, उसको वो टैक्स देना ही होगा। और अगर वो नहीं देता है तो क्या होगा? अगर वो जो टैक्स उस पर लगाया जाता है और वो अगर वो नहीं देता तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था ये मैंडेटरी है, कंपलसरी टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बनाया हुआ है, कंपलसरी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने कुछ नियम और कानून बनाया है उसको वसूलने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस जो आप पर लगाया गया है अगर आप नहीं दोगे तो कहां जाओगे? जी जेल जाओ, जेल जाओगे या पेनल्टी, हैवी पेनल्टी लग सकती है। पर वो पेनल्टी टैक्स वगैरह सब जो ये सब चीजें जो लगाई जाती हैं, एंड में यही होता है कि उसमें जेल का भी प्रोविजन है, क्योंकि वो टैक्स क्या है, मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1956 का है, किसका है देख लीजिएगा आप लोग, 61 सर, उसके हिसाब से 1961 1961, तो उसके हिसाब से आपको टैक्सेस देने ही हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी जो कंपनी कंपनीज देती हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स पे जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, वो ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, मैट, MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है? बेसिकली कंपोजिशन स्कीम की तरह है, कंपोजिशन स्कीम की तरह है ये, कि कोई भी कंपनी जैसे होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, तो ज्यादातर क्या होता है कंपनीज अपने खर्चे इतने बढ़ा देती हैं कि वो उनका कोई प्रॉफिट नहीं बचता, वो कहती है हम तो लॉस में चले गए। तो ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें एक लॉ बनाया हुआ है कि हर कंपनी को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, हर कंपनी को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स, वो भी इनकम टैक्स की तरह ही है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स उसको देना ही देना है, चाहे वो बेशक लॉस में ही क्यों ना चली जाए।
और सर अगर कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तब? नहीं, दिवालिया तो वो अचानक नहीं घोषित होती ना, उसका तो एक प्रोसेस होता है। वो तो दिवालिया तो घोषित होगी 5 साल 10 साल में जाके, जब उसकी और दिवालिया ऐसे घोषित नहीं होती, उसमें उसमें भी नियम कानून बने हैं कि 3 साल या 5 साल तक अगर आप लगातार लॉसेस में जा रहे हैं, लॉसेस भी मतलब हैवी लॉसेस, जैसे इनकम है तो इनकम तो है 5 रुपए और खर्चा कर रहे हो 15 रुपए, तो वो तो एक एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि 3 साल या 5 साल या 10 साल तक अगर कोई कंपनी, 10 साल तो नहीं 5 साल ही है, अगर कोई कंपनी हैवी लॉसेस दिखाती है और उसके बाद भी जो दिवालिया घोषित होती है उसके बाद ऐसे नहीं होता, वो ऑडिट होता है प्रॉपर उसका, यह जानने के लिए ऑडिट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी पेपर में ही लॉस दिखा रही है, एक्चुअली ये प्रॉफिट में चल रही है, यानी ये कंपनी हमको बेवकूफ तो नहीं बना रही है, उसका स्पेशल ऑडिट होता है। उसके बाद जब सभी सभी जांचों के बाद, यानी जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, ऑडिट होते हैं, उसके बाद जब ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कंपनी वास्तव में 4 साल से 5 साल से लॉसेज में जा रही है और इसकी रिकवरी की कोई संभावना नहीं है, तभी वो कंपनी दिवालिया घोषित होगी, यानी इंसॉल्वेंट। जी सर, ठीक है ना, ऐसे नहीं कोई कंपनी दिवालिया घोषित रातों रात नहीं होती, इट टेक्स एटलीस्ट 5 to 10 years। जैसे आपने देखा होगा एक स्कूटर आता था पहले LML, हो सकता आप लोगों को याद भी ना हो। जी सर, LML स्कूटर आता था, तो मैं जब अलीगढ़ में एक वासने कॉलेज है, वासने डिग्री कॉलेज, उसमें मैं पढ़ाता था, तो वो LML स्कूटर मैंने लिया था उस टाइम, ये बात है 2002 की। लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी लॉस में चली, और अब ये आप सोचिए कि ये कंपनी तो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी 2005 या 6 में ही, और अभी 2019 में फाइनली वो कंपनी दिवालिया घोषित हुई है। और देखिए मतलब ये एक वही कह सकते हैं ना, बाय चांस या भाग्य, वो फाइल भी मैं कानपुर में आज उसी की फाइल भी देख रहा हूँ, उसी LML कंपनी की, लोहिया मशीन्स लिमिटेड नाम है उसका पूरा LML। तो अब जाके वो कंपनी का सेटलमेंट हुआ है, NCLT में जाती है पहले, तो ये सारा मैटर गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई हुई है NCLT, ट्रिब्यूनल है ये, कोर्ट है NCLT, जो ये सारी प्रक्रियाओं को देखता है कि कंपनी के लॉसेस लॉस में जा रही है कि नहीं जा रही, इसके इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, इससे मान लो जैसे बैंक भी केस डाल देते हैं कंपनी के ऊपर कि इसने हमसे 100 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए लोन ले रखा है तो, और ये हमें वापस नहीं कर रहा, तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई हुई है NCLT। आप गूगल पर सर्च कर लेना NCLT के बारे में, एक संस्था है बेसिकली ये, इस जो लिक्विडेशन का प्रक्रिया को देखती है, लिक्विडेशन मतलब गवर्नमेंट के जो लॉस मेकिंग कंपनी है जो घाटे में जा रही है, उसके जो बाकी बची खुची प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी बची हुई है उसको जो उसके देनदार है कंपनी के उनमें कैसे बांटा जाए, देनदार मतलब जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, बैंक वगैरह हो गए जिन्होंने लोन दे रखा था कंपनी को, तो NCLT ये सब देखती है कि इसको बेच दिया जाए और इससे जो पैसा मिले उस सब में बांट दिया। चलिए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बताइए क्या होता है सर? वस्तु और सेवा पर लगाया जाने वाला कर। वस्तु और सेवा ये तो GST होता है। ये तो GST का प्रभाव क्या है सर? जैसे प्रत्यक्ष रूप से उसके पर पड़ता है। सर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस मतलब
जैसे मान लीजिए किसी चीज में भी लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस, किसी व्यक्ति पर, किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, तो इंसिडेंस यानी जिस प्रॉपर्टी पे ही लगाया गया टैक्स, और आप आपकी प्रॉपर्टी है, आपने वो टैक्स दिया, तो इफेक्ट भी आपके ऊपर आया, यानी प्रभाव भी आपके ऊपर आया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इंसिडेंस एंड इफेक्ट आर नॉट ऑन द सेम पर्सन। जैसे सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, जो जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं, यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि जीएसटी अब तो जीएसटी काउंसिल देखती है, तो मान लीजिए 18% टैक्स है, तो 18% टैक्स में 9% केंद्र को जाएगा और 9% राज्य को जाएगा। केंद्र यानी सेंटर, सीजीएसटी, जीएसटी तो है ही, उस जो केंद्र वाले को बोलता है सीजीएसटी और स्टेट वाले को एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% हुए 18%। मान लीजिए टीवी पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई टीवी की सेल पर 18% टैक्स होगा। दुकानदार ने क्या क्या किया कि जी 10,000 रुपए का टीवी है और 1,800 रुपए टैक्स है, तो आपको कितने का पड़ा, 11,800। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो है एक प्रोडक्ट के ऊपर, यानी टीवी के ऊपर, यानी दुकानदार के ऊपर, रिटेलर के ऊपर। ये टैक्स किस पे लगाए, क्योंकि टीवी पे तो आप टैक्स नहीं लगा सकते ना, टीवी तो कोई ह्यूमन तो है नहीं, और आपने मान लीजिए टीवी पर टैक्स लगा दिया तो टीवी को तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टैक्स लगाया जाता है रिटेलर पर, दुकानदार पर, डीलर पर, जो टीवी बेच रहा है उस पर। आपने कहा कि अगर आप सेल करोगे एक टीवी तो उस पर 18% आपको टैक्स देना होगा। उसने बिल बना दिया, 1800 रुपए आपसे ले लिए और वो 1800 रुपए गवर्नमेंट टैक्स में जमा कर दिया। यानी इंसिडेंस कहां है इनडायरेक्ट टैक्स का, ऑन द डीलर, ऑन द रिटेलर, बट द इफेक्ट इज ऑन द कंज्यूमर, यानी जिसने टीवी लिया उसका प्रभाव, इनडायरेक्ट टैक्स का प्रभाव उस पर पड़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस एंड इफेक्ट इज ऑन द सेम पर्सन, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंसिडेंस एंड इफेक्ट दे आर नॉट ऑन द सेम पर्सन, क्योंकि जो इफेक्ट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जो टैक्स का प्रभाव पड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में, वो टैक्स का प्रभाव जो है वो यहां एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पकड़ दिया गया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल क्या है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है सर, बिक्री कर है सर, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, वैट है सर, एक्साइज है, ड्यूटी है सर, एक्साइज ड्यूटी भी तो है जी सर। अभी क्या है, जो सेंट्रल एक्साइज पहले हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज, वो मर्ज हो गया जीएसटी में, लेकिन एक्साइज एक्साइज टैक्स जो है, जैसे आपकी लिकर वगैरह है, एल्कोहल जो, तो इन पर तो अभी भी है ना, ये जीएसटी में नहीं आते, मतलब ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे डीजल, पेट्रोल, लिकर है, ये अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। अभी मान लो शराब के ऊपर भी क्या होता है, शराब के ऊपर तो बहुत सारा टैक्स लगता है, लेकिन अब मान लीजिए कोई शराब का डीलर है, ठेकेदार है, उसके ऊपर टैक्स लगाया उसने, जो शराब लेता है उस पर ट्रांसफर कर देता है उसको, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसको आप मान लो एग्जाम में भी कई तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में से आंसर बना सकते हैं, वो आंसर में से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है ना।
अब डायरेक्ट टैक्स यानी उसका जिस पर लगाया जाता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उस पर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उससे अलग उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी दूसरी चीज पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जो डायरेक्ट टैक्स का प्रभाव ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का प्रभाव ट्रांसफर कर दिया जाता है। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के ही कानून बने हुए हैं, लगाने के लिए और वसूलने के लिए। टैक्सेस की वसूली ऐसे ही होती है जैसे लैंड रेवेन्यू की वसूली होती है। जितने कड़े कानून यानी अंग्रेजों के टाइम पे थे ऐसे ही कानून टैक्सेस को वसूलने के लिए हैं। बस इसमें फांसी की सजा नहीं होती और उम्र कैद की नहीं होती, बस इतना ही है, बाकी सारे कर्म हो जाते हैं इसमें। जैसे कि अगर उधर लेकिन ये फांसी होती है या मान लीजिए उम्र कैद की सजा हो गई लेकिन फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें बस आपको उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी, बाकी सब काम हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, आप सड़क पे भी आ जाते हो, है ना, जेल भी हो जाती है। अच्छा इसके कुछ, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं हम कि टैक्सेशन, जो टैक्स जो लगाया जाता है, टैक्स जो लगाया जाता है उसका कुछ वो है, जैसे जैसे मान लीजिए टैक्स लगाया गया आपके ऊपर तो किस तरह से लगाया जाए, जिसको बोलते हैं टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स, हाउ टैक्स इज इम्पोज। इनकम के बेसिस पर सर, इनकम के बेसिस पर लगाया सर, जितनी आपकी इसकी इनकम उसके हिसाब से टैक्स लगाया। मतलब इसमें देखिए एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टैक्स दिया 10% से 10 लाख रुपए, यस सर, और अगर आपकी 10 लाख है तो आपने 1 लाख रुपए दिया, ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, यानी साल के एंड में जितनी इनकम आपकी ज्यादा होगी टैक्सेबल इनकम, उस अनुपात में टैक्स का जो परसेंटेज है, टैक्स रेट है, वो बढ़ जाता है। जैसे अगर अभी हम बात करें तो 3 स्लैब है, 10%, 20%, उसके 32%। मान लीजिए जिसकी इनकम 5 लाख है उसको 10% टैक्स देना होता है, जिसकी इनकम 5 से 10 के बीच में उसको 20%, और जिसकी 10 लाख से ऊपर है उसको 30% टैक्स दे। ये हाईएस्ट लेवल है, प्लस कुछ सर चार्जेस वगैरह हैं जिसको सेस बोलते हैं। तो जैसे अब जो ये जो मैं बता रहा हूं, जैसे 5 लाख तक, 5 से 10, 10 से मतलब मोर देन मतलब 10 लैक्स, तो ये स्लैब्स बनाए हुआ गवर्नमेंट। स्लैब मतलब एक उनका डिवीजन किया हुआ कि भाई चलो आप ठीक है, आप 10% दे देना, आप 20% देना और आप 30% दो। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी एज योर इनकम प्रोग्रेसेस टैक्स रेट्स गो अप।
जैसे मैंने बताया 10 से 20% हो गए, 20 से 30 हो गए, तो जब कैलकुलेशन होता है जैसे इनकम टैक्स का, तो ऐसा ही होता है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है एनुअल सैलरी, तो फिर आप उस ब्रैकेट में आ जाते हो 30% वाले में। तो अगर जैसे 2-2.5 लाख रुपए सेविंग कर ली, तो अगर इनकी अगर मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख है साल की, तो कम से कम आपको 75,000 तो केवल 2.5 लाख पर टैक्स लग जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या हो सकता है? रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। अब बताइए क्या होता है फिर? सर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उतने ही टैक्स कम होता जाएगा। हाँ, प्रोग्रेसिव का मतलब उल्टा हो गया जी सर। लेकिन ये बहुत ही इमेजिनरी टाइप ऑफ टैक्स है, इमेजिनरी टैक्सेस, काल्पनिक है ये कोई टैक्स होता नहीं है कहीं। पहले होता होगा कभी, लेकिन ये ऐसा कोई टैक्स नॉर्मली नहीं मिलता, डेमोक्रेसीज में तो नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसीज में या जो सोशलिस्ट स्टेट हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं, उनमें नहीं होता। आजकल बस एक ही स्टैंडर्ड टैक्स है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये भी सोशल वेलफेयर या इक्वालिटी के हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही हर कंट्री में मिलेगा। और विच इज द बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम? सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है? प्रोग्रेसिव। क्योंकि इसमें एक जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन ये है कि भाई जो बड़ा आदमी है, यानी जो पैसे वाला आदमी है, वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। अब इतना तो नहीं कर सकते कि उसमें मान लीजिए अगर एक गरीब मान लीजिए ये कहे कि नहीं साहब इनको हमारे तो टैक्स देने के बाद 2 लाख रुपए बच रहे हैं और इनके टैक्स देने के बाद 2 करोड़ रुपए बच रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ये है जस्टिफिकेशन कि भाई इनकी इसकी इनकम ज्यादा है, तो ये उस अपनी इनकम का परसेंटेज भी तो ज्यादा दे रहा है। इसमें ये सिद्धांत लागू नहीं है कि टैक्स के बाद इनकम कितनी बचती है आपकी, ये सिद्धांत लागू नहीं है इसमें कि आफ्टर टैक्सेशन नेट इनकम कितनी है आपकी, जो टेक होम सैलरी टेक होम इनकम बोलते हैं उसको, वो कितनी है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा परसेंटेज में टैक्स दे रहा है। तो ये सामाजिक न्याय के हिसाब से भी इसको सही कहा जा सकता है। कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे उनपे भी 10%, हमारे ऊपर भी 10%, यानी जो प्रोपोर्शनल टैक्स में होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही ज्यादातर कंट्रीज में आपको मिलेगा। अच्छा, अभी अगर हम रेवेन्यू की बात करें, मतलब जैसे डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू, तो किसकी ज्यादा है? सर इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, जी सर है। हाँ, मतलब आपने लॉजिक लगाया कि होगी, सही है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है उसकी वजह क्या हो सकती है बताइए भाई। डायरेक्ट टैक्सेस की अपेक्षा इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू ज्यादा मिल रही है हाल के वर्षों में इंडिया में, ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्यों है, कोई लॉजिक उसका? सर बिक्री और जो खरीद है वो
प्रॉपर होती है वो कभी रुक नहीं सकती, और संपत्ति हर व्यक्ति पर हो ये पॉसिबल नहीं है। संपत्ति तो सभी पे होती है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। लेकिन सर संपत्ति ज्यादा ज्यादा हो गई उम्र से तब तो लगेगा। सर जब ज्यादा होगी या कॉर्पोरेट वैसी होगी तभी तो लगेगा उसके पास। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, जैसे मान लो जीएसटी की बात करते, हमारे देश में हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी, करीब करीब 140 1.4 बिलियन है। तो अब 140 करोड़ लोग, इसमें बच्चे से लेकर के जवान बूढ़े, तो सभी को कुछ न कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। कोई कुछ न कुछ खरीद ही रहा होता मार्केट में, मार्केट खुला नहीं के दुकान खुली नहीं पब्लिक पहुंची। तो इसमें यह है कि इनकम टैक्स देने वालों की संख्या तो बहुत कम है, ठीक है ना। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या तो बहुत कम है, शायद इंडिया में, अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, बट शायद 3 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, 3-3.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पर। और अगर उसमें हम नेट पे ही की बात करें तो लेस देन 1 करोड़ होगा। रिटर्न ही तो भरते हैं बहुत लोग, उसमें भी टैक्स थोड़ी देते हैं, लॉस दिखा देते हैं या बराबर कर देते हैं, ये कह के कि हमारा कोई नेट प्रॉफिट है ही नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, जो भी सामान आप लेने जाओगे सब पर टैक्स। लाखों डीलर हैं, करोड़ों। अभी अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में करीब 40-45 लाख डीलर हैं। 40-45 लाख डीलर का मतलब ये हुआ कि 40-45 लाख बिजनेस प्लेसेस हैं, जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिकी रहा है, तो सब पे टैक्स है। एक जमाना था जब इनकम टैक्स की रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेवेन्यू ऑलमोस्ट बराबर थी, और आग पीछे चलिए आप, जब इनकम टैक्स की रेवेन्यू ज्यादा आती थी और इनडायरेक्ट की कम आती थी। अब इसमें आप कोई सिद्धांत देखते हैं कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू मिलनी चाहिए या हमें डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा मिलनी चाहिए। देखिए इनकम टैक्स से रेवेन्यू का न बढ़ना डायरेक्ट टैक्सेस से, यानी जैसे इनकम टैक्स की हम बात करें, इनकम टैक्स से रेवेन्यू का न बढ़ना ये दिखाता है कि हम अमीरी की तरफ नहीं जा रहे, समझ गए आप लोग, यही तो दिखाता है। जी सर। यानी हम हमारे वो हमारे लोग उस इनकम ब्रैकेट में नहीं आ पा रहे, उस ब्रैकेट में नहीं आ पा रहे जब हम टैक्स पे कर सके, क्योंकि हमारी इनकम नहीं हो पा रही। और अगर पिछले 4-5 साल की हम बात करें, पिछले 5 साल की, तो इकोनॉमी ग्रो तो हो नहीं रही है, मतलब 4% हुई, फिर 5% हुई, अभी तो लास्ट में -4% हो गई इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या न बढ़ना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ नहीं रही। और हकीकत में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस की रेवेन्यू बढ़ने लगे एक साथ दोनों की, तभी समझिए कि आप इकोनॉमी सही डायरेक्शन पर जा रही है, ठीक है। अच्छा
जो लगाया जाता है आपको, जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि भाई ठीक है टैक्स लगा दो, तो उसमें आप किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे जब टैक्स लगाते हैं, या जैसे अभी टैक्सेस लगाए जाते हैं तो सरकार किन चीजों को ध्यान रखती है कि भाई टैक्स व्यवस्था जो है इस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सर एक तो ज्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि, हाँ जी हेलो आईटी स्रोतों भी को देखते हुए सर, और सर आर्थिक विकास को देखते हुए लगाती है सर, और देखिए सुनिए, जब भी हम टैक्स की कोई हेलो जब भी हम कोई टैक्स सिस्टम बना, नहीं हमारा जो टैक्सेशन था उसकी बात कर रहा हूं, अगर आएंगे तो फिर सर मतलब क्लियर नहीं है सर। देखिए सबसे पहले तो ये हेलो, आप लोगों के साउंड ब्रेक हो रही है, हेलो जी सर, मैं ये कह रहा हूँ आप ठीक है। देखिए कोई भी जब हम टैक्स लगाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और अगर ये हो कि गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपए टैक्स वसूल लिया या 1 करोड़ वसूल लिया, अब सपोज करो खर्चा भी 1 करोड़ का हो गया गवर्नमेंट का, फिर क्या फायदा हुआ उसका? कुछ हुआ फायदा? नो सर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी उसकी कि टैक्स को वसूलने की लागत क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। अब जैसे मान लीजिए जीएसटी लगता है, तो जीएसटी जब लगता है ठीक है हम कई करोड़ वसूल करते हैं, लेकिन हमको कितने अधिकारी लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं और स्टाफ है, गाड़ियां हैं, बिल्डिंग है, सब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और आपके कंप्यूटर्स का खर्चा है, लैपटॉप्स का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये सब भी तो खर्चे होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, और आपको मैं बता दूं कि जैसे जीएसटी की हम बात कर रहे हैं यूपी में, तो जितना हम लोग रेवेन्यू कमाते हैं उसका केवल 2% खर्च करते हैं, यानी अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो केवल 2 रुपया खर्च करते हैं, और यूपी में ये रेशियो सबसे कम है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट खर्चा नहीं करती ज्यादा, अगर हमने 100 रुपए कमाए तो केवल 2 रुपए खर्च होता है, जिसमें सब कुछ मिला के है, मतलब सैलरी भी बाकी और खर्चे भी। तो जाहिर है कोई भी टैक्स होगा वो तो लाखों करोड़ों में होता है, मतलब जैसे इनकम टैक्स की हम बात करें तो 7-8 लाख करोड़ का शायद रेवेन्यू है, शायद कुछ साल पहले तो 10 लाख क्रॉस कर गया था, तो खर्चा उतना नहीं होता, मतलब मे भी जैसे जीएसटी में 2% बता रहा हूँ तो मे भी इनकम टैक्स में 5% 6% तक हो सकता है। तो इसके जब भी हम कोई टैक्सेशन व्यवस्था बनाए तो उसमें ध्यान रखें कि टैक्सेशन सिस्टम शुड बी फेयर, यानी वो फेयर मतलब इक्विटेबल हो, जैसे मैंने बताया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन शुड बी फेयर, और एक एलिमेंट होता है सर्टेनिटी का, सर्टेनिटी मतलब
निश्चित है ये कि टैक्सेशन टैक्स लगना ही लगना है। तो एलिमेंट गुड टैक्सेशन सिस्टम हैज द एलिमेंट्स ऑफ फेयरनेस सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब टैक्स लगना ही लगना है, ये नहीं है कि किसी साल लगा दिया टैक्स किसी साल नहीं लगाया, कभी ऐसा कर दिया 6 महीने के लिए टैक्स लगा दिया 6 महीने के लिए टैक्स नहीं लगाया। तो इट शुड हैव एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। एक होता है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस भी होना चाहिए, टैक्सेस शुड बी कन्वीनियंट, कन्वीनियंट टू कलेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकानदार है या कोई इनकम टैक्स वाला बंदा इंडिविजुअल है वो परेशानी हो जाए टैक्स देते देने में, ऑफिस के बार बार चक्कर लगा रहा है, उसको पता लगा कोई फॉर्म ही नहीं भरना आ रहा है। तो टैक्स जो है कन्वीनियंट भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब काम तेजी से हो तभी तो कॉस्ट कम होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। आपकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन तभी तो कम होगी जब टैक्स आ गया अपने आप में जाए। लग रहा बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं क्या? अब इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे दो दो मेन प्रिंसिपल की बात बता रहा हूं। गुड टैक्सेशन, गुड टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अभी तक तो हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे कि इट शुड बी फेयर, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन गुड टैक्सेशन, अभी हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे, गुड टैक्सेशन क्या हो सकता है? इसके दो सिद्धांत है, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे, और एक है बेनिफिट प्रिंसिपल। यानी एक तो यह है कि आदमी कम से कम इतना हो कि वो टैक्स देने लायक हो, एक तो ये चीज हो गई एबिलिटी टू पे, यानी वो टैक्स देने के लिए योग्य है, उसकी क्षमता है। यानी ये नहीं है कि पता लगा आपने टैक्स किसी रेहड़ी वाले पे लगा दिया, किसी छोटे दुकानदार पे लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एबिलिटी टू पे ऑल्सो, या ये कहें गवर्नमेंट शुड मेक पीपल एबल, एबल एनफ टू पे द टैक्सेस। भाई जब आप उसको अच्छा रोजगार देंगे और इनकम के साधन उनको अच्छे देंगे तभी तो वो आपको पे बैक कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपने किसी रेहड़ी वाले पर या कोई फल बेच रहा है उस पर भी टैक्स लगा दिया, छोटे दुकानदार पे भी लगा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी एबिलिटी टू पे, एक तो ये होना चाहिए। जब हम सेल पर टैक्स लगा है ना। हेलो जी सर। सर रेडी वाले पर तो वो जैसे आप ये कह रहे हो कि मान लो वो शर्ट लेने जाएगा, लेकिन फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि छोटे दुकानदारों पर टैक्स नहीं लगता है, कहां लगता है? जैसे पहले वैट था तो वैट में भी छूट दी हुई थी,
वैट में भी छूट थी कि 5 लाख रुपए तक के व्यापारी, 5 नहीं सॉरी 2.5 लाख, 2.5 लाख तक के जो व्यापारी, साउंड नहीं आ रहा सर। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। एक फोन आ गया था बीच में। इसलिए हम लोगों को क्या है, जो 31 मार्च होती है वो कोरोना की वजह से 30 जून हो गई थी, 3 महीने टाइम बढ़ गया था, तो बस वही चला हुआ है आजकल। कंपच का टाइम बड़ा क्रूशियल है, तो मैं बता रहा था एबिलिटी टू पे। जैसे वैट में एक लिमिट थी कि 2.5 लाख दिन का सालाना टर्नओवर है, उन पर कोई वैट नहीं लगता था। ऐसे ही देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे मान लीजिए कोई सस्ती शर्ट है, मान लीजिए कोई शर्ट मान लीजिए 100 रुपए 150 रुपए तक की है, तो जाहिर है वो छोटी दुकान में ही मिलेगी आपको, तो उस चीज पर कभी टैक्स नहीं लगता है। वो पूरी चेन की चेन वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन ये है कि मान लीजिए अगर आप उसी शर्ट को किसी बड़ी दुकान से लेके आएंगे तो वो आपसे टैक्स ले ले, और कोई बहुत बड़ा आदमी है वो भी कोई छोटी दुकान से टैक्स लेके आता है, वो कोई सामान लेके आते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो बिजनेस के ऊपर है, टर्न ओवर के ऊपर। ऐसे ही जो जीएसटी है, जीएसटी में यही लिमिट 10 लाख रुपए तक की है, जीएसटी में ये लिमिट 10 लाख रुपए तक की है, यानी 10 लाख रुपए अगर आपका सालाना टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है जीएसटी में। तो पहला सिद्धांत एबिलिटी टू पे, क्या जो जो चीज आप अभी बोल रहे थे कि रेडी वाला भी टैक्स देता है, तो ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, है ना? अभी आप समझिए एबिलिटी टू पे, यानी जो टैक्सेशन सिस्टम है ये भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति जिस पर आप टैक्स लगा रहे हैं उसकी एबिलिटी है कि नहीं। और दूसरा है बेनिफिट, कि कोई भी जब आप टैक्स लगाते हैं तो उसका कुछ फायदा है कि नहीं, यानी समाज उससे कुछ फायदा ले रहा है। आपको क्या लगता है, टैक्स लगाने से कुछ फायदा होता है? सर मेरा मानना तो ये है कि सर गवर्नमेंट को सर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हैं, क्या मानना है आपको? मेरा मानना ये है कि सर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना चाहिए? अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो सर ये तो मतलब ऐसा ही हुआ कि आप पुलिस खत्म कर दो तो फिर कोई भी क्रिमिनल ही नहीं रहेगा फिर। हेलो, चोर उचक्के क्रिमिनल कोई रहेगा ही नहीं, फिर तो सब बराबर हो जाएंगे। टैक्स तो जरूरी है भाई, जुडिशरी को पुलिस को अगर आप देते हैं तो फिर तो सब बराबर है। कोई कुछ कोई मर्डर करेगा तो वो भी बराबर ही है आपके। तो आपका ये कहना है कि टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स लगाने से ही ब्लैक इनकम मतलब बनती है, ऐसा नहीं है?
सर टैक्स टैक्स की जो सर प्रोसेस है वो पौराणिक काल से ही है। जैसे रामायण और महाभारत काल में भी टैक्सेशन की पॉलिसी थी। रामायण में सर आता है कि जो उसमें बताते हैं कि एक राजा को उतना टैक्स लेना चाहिए जितना सूर्य मतलब धरती से पानी वाष्पीकृत करता है। और बिना टैक्स के तो सर कोई भी गवर्नमेंट मतलब पॉलिसीज कैसे बनाएगी? और नहीं, अभी 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 आप ये सोचो कि आपने ये कहा कि टैक्सेस नहीं होने चाहिए, तो आप मुझे एक चीज बताइए, तो फिर जो सड़क जिस पर आप जा रहे हो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तो ये सड़क कौन बनवाएगा? अगर मान लीजिए कल चाइना या पाकिस्तान आपके देश के ऊपर अगर अटैक करता है तो कौन बचाएगा? आर्मी एयरफोर्स नेवी बचाएंगे ना, वो कहाँ से चलेंगे? तो क्या आप अपनी आर्मी तो नहीं बना सकते? मेरा मानना ये है कि जैसे सर अभी हम क्या करते हैं सर, जैसे मान लीजिए किसी की 30,000 किसी की इनकम है तो हम उसको जैसे 5,000 टारगेट पर 5,000 रुपए देंगे सर, उसके लिए हमको इनकम डिपार्टमेंट को भी सैलरी देनी पड़ती है और कई डिपार्टमेंट को वहाँ एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं सर, तो सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं उसको 25,000 दे देते टैक्स के बिना? व्यवस्था में कोई गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की तरह कोई और व्यवस्था ना हो भाई, पहले जैसे राजा होते थे, राजाओं की भी तो सरकार होती थी जी सर, भाई राजाओं की भी तो सरकार ही होती थी जैसे अब सरकार है, पहले राजाओं की सरकार थी, पहले वो एक हेरिडिटरी था कि भाई राजा का बेटा राजा, अब बस इतना ही तो फर्क है, वोट डाल देते हैं, पर है तो सिस्टम तो वही है ना। तो मेनली देखो डिफेंस है, पब्लिक वर्क्स के काम है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, नहरें हैं आपकी, आपके और डिपार्टमेंट हैं, ये जितने भी सब डिपार्टमेंट चल रहे हैं ये
एक व्यवस्था बनाने के लिए चल रहा है। अब आप सोचो कि आपने कह दिया हम कोई टैक्स नहीं देंगे, तो इसका मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई पुलिस नहीं रहेगी, ठीक है, और आदमी फिर घोड़े पे चलेगा, सड़क कौन बनाएगा? नहीं तो भाई सड़क कहां से? अब ये तो है नहीं कि आप ये कहते हैं कि नहीं ठीक है मैं 10 मीटर सड़क मैं बना देता हूँ, 10 मीटर आगे वाला बनाएगा, लेकिन उसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 10 मीटर सड़क बनाने के लिए अपना पूरा इंतजाम करेंगे, पूरा लाभ लश्कर लगाएंगे। तो एक ये आज की दुनिया की हकीकत है, जरूरत भी है। बिना गवर्नमेंट के कोई काम नहीं हो सकता, बिना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए टैक्सेशन जरूरी है। अब देखिए मैं बता दूं आपको टैक्सेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं वो बिना टैक्स के नहीं बन सकती, ठीक है। इसके अलावा सरकार के लिए जो पैसा आता है, रेवेन्यू इकट्ठी होती है, वो भी टैक्स से आती है। इसके अलावा सपोज करिए कि आप सोचिए कि दिल्ली से मुंबई तक सड़क बन रही है, दिल्ली से मुंबई तक की सड़क बन रही है और उसका जो बजट है वो है करीब 1 लाख करोड़। अब इससे क्या होगा, सरकार ने पैसा लगाया, इसके एवज में क्या हुआ कि सोचो लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, बहुत सारे ठेकेदारों को ठेके दिए हुए हैं उनकी भी इनकम बढ़ रही है, उसके लिए मशीनरी खरीदी गई, मशीनरी खरीदी गई तो जो फैक्ट्रीज मशीन बनाती हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, उन्होंने भी रोजगार दिया लोगों को, तो उससे आपकी जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी। क्यों होगी? क्योंकि आने जाने में कम टाइम लगेगा, आपका डीजल पेट्रोल कम खर्च होगा। जैसे आपको पता है हमारा जो ऑयल जो इम्पोर्ट्स है वो करीब करीब 40% है टोटल का, हम जितनी भी चीजें इम्पोर्ट करते हैं दुनिया से उसमें 40% हिस्सा इन्हीं का है, 35-40% ऑयल डीजल और पेट्रोल, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादा होता नहीं, जितनी हमारी जरूरत है उसका 1/3 भी नहीं हम पैदा कर पाते। तो क्या आपको जरूरी नहीं लगता है टैक्सेशन? सर ये इसके अलावा देखिए टैक्सेशन से एक चीज और होती है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी अमीरों पर टैक्स लगाया उस वो जो टैक्स से जो रेवेन्यू मिली वो हम गरीबों में बांटते हैं, नहीं बांटते हैं। जैसे किसानों को क्या कुछ किस्त दी जाती है 2000 रुपए की या 6000 रुपए फ्री में, सर राशन भी वितरित किया जाता है गरीब किसानों को, तो यही रिडिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप सोचिए कि जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास अवसर ही नहीं काम करने का, अवसर नहीं है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो तो मर जाएंगे, फिर दुखे ही मर जाएंगे वो तो। फिर तो जो अमीर है जिसके पास अवसर है वही कमाएगा, वही खाएगा, वही मौज करेगा। तो टैक्सेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जरूरी है। सरकार सस्ते घर बना के देती है, सरकार सस्ता अनाज देती है या फ्री में भी देती है कई बार, है ना। और जैसे सरकार जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उसका किराया कम रखती है जिससे कि गरीब लोगों को कम किराया देना पड़े, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे क्या होता है कि वितरण होता है इनकम का, देश की इनकम का वितरण, क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी दोबारा से वितरण होता है। जो अमीरों के पास जो पैसा है वो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है और सरकार उसको गरीबों में बांटती है। अब वो पैसे से क्या है, अब काम भी होते हैं, पब्लिक वर्क से काम होते हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, कहीं कहीं नहरें खोद रही हैं, कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो टैक्सेस कोई ऐसा नहीं है, टैक्सेस टैक्स टैक्सेशन सिस्टम इज ए वेरी साउंड सिस्टम, इसके बिना तो आप सोचिए ही मत के कुछ हो सकता है।
जब तक टैक्स नहीं होंगे सब कुछ कलेप्स कर जाएगा, तो अपनी अपनी डबली अपना अपना राग होगा, छोटे छोटे राजा बन जाएंगे। जैसे पहले राजा नहीं होते थे, किसी के पास 10 गांव थे, किसी के पास 20 गांव थे, जो बड़े राजा होते थे उनका एक सिस्टम होता था, जो बड़े राजा थे उनका सिस्टम होता था हर चीज का, और गवर्नमेंट तो हर जगह होती है। सोचिए जो चींटियां होती हैं, चींटियां उनमें भी गवर्नमेंट होती है, पढ़ाया ना आप लोगों ने? हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्या? उसमें भी ये है कि ये फला ये काम करेगा, फला ये काम करेगा, फलानी ये जो रानी है वो तो कोई काम नहीं करती। ऐसे ही सर मधुमक्खी में होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज का सिस्टम होता है। चलिए खैर, इस पे बाद में भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अभी यही समझ लीजिए टैक्सेशन होता क्या है, अच्छा टैक्सेशन सिस्टम क्या है, खराब कौन सा है, क्या उसके सिद्धांत हैं। पीगू, पीगू टैक्स होता है, पीगू, पीगू टैक्स क्या होता है? पिगोवियन टैक्स, पीगू। सर नहीं नहीं पता है सर। पीगू टैक्स होता है बेसिकली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एल्कोहल पर टैक्स लगता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही, बट पीगू ने ये कहा था, जो एल्फ्रेड एल्फ्रेड पीगू, इन्होंने ये कहा था कि ये टैक्स लगता तो है और लगना भी चाहिए, उन्होंने कहा था लगना भी चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसमें एक एंगल होता है सोशल वेलफेयर का। जैसे हम अगर ये कहें कि एक बोतल शराब की वो 100 रुपए में मिलती है, मतलब कॉस्ट उसकी 100 रुपए है, और 100 ही रुपए गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया हुआ है। अब सपोज करो गवर्नमेंट इसको टैक्स फ्री कर दे या 10% टैक्स लगा दे, तो जो बोतल 200 225 की मिल रही है कल वो 100 रुपए की मिलेगी, 110 रुपए की मिल जाएगी। तो पीगू टैक्स होता है कि उन चीजों पर लगाया जाता है जो कि सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देती है, यानी जिसके कंज्यूम न करने से सोशल वेलफेयर बढ़ता है, जिसके कंज्यूम करने से न करने से जिसके कंज्यूम न करने से सोशल वेलफेयर बढ़ता है, तो शराब पे इसलिए लगाया जाता है। जैसे पॉल्यूशन टैक्स है, कई कंट्रीज में पॉल्यूशन टैक्स भी लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि लोग पुरानी गाड़ियां ना चलाएं, पोल्यूशन कम फैलाएं, तो लोग डरते हैं टैक्स टैक्स नहीं देना पड़े इसलिए वो पोल्यूशन नहीं फैलाते। ये किसी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था टैक्स, मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो ये पीगू टैक्स होता है। जैसे अगर हम जैसे हम मैं आपको बात कर रहा था ना कि टैक्स लगाने से कुछ फायदा भी होना चाहिए, बेनिफिट प्रिंसिपल, तो ये किसने दिया था? ये दिया था एरिक लिंडाल, एरिक लिंडाल। और जो एबिलिटी टू पे है ये दिया था किसने? यही जो मैं बता रहा हूं, एल्फ्रेड पे। और बताइए टैक्सेशन क्या रह गया? देखिए प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में बता दिया मैंने, फेयरनेस, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए और इसका लगना निश्चित होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए।
टैक्सेशन के प्रिंसिपल एबिलिटी टू पे है, यानी व्यक्ति उसी पर टैक्स लगाया जाए जिसकी एबिलिटी है, जो एबिलिटी हो टैक्स पे करने की। एक बेनिफिट प्रिंसिपल, यानी समाज को उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। एक मतलब उद्देश्य क्या है टैक्सेशन के, ये सोशल और इकोनॉमिक नीतियां बनाने में सहायक होता है, सरकार की इनकम बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और बेरोजगारी को काफी हद तक दूर किया जाता है। फिर मैंने आपको डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होते हैं ये बताया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बताया, एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स सुनाए गए आपको, आप नोट, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट जैसे मान ली, एक तो हमारी बेसिक सैलरी हो गई, वो कंपनी द्वारा जो गिफ्ट दिए जाते हैं उस पर टैक्स लगता है। हाँ, गिफ्ट भी कह सकते हैं, जैसे एकोमोडेशन अलाउंस है या कंपनी की कुछ सेविंग स्कीम्स होती हैं, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया, तो प्राइवेट कंपनी अक्सर क्या करती हैं कि वो आपको कैश तो कम देंगी लेकिन आपको और बहुत सारे अलाउंसेस दे देती हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई उसका 2 लाख पैकेज है महीने का, 3 लाख का पैकेज है, तो वो पैकेज का मतलब पैकेट है जिसमें कैश की सैलरी मान लो 60-70 हजार होगी, फिर वो आपसे कहेंगे ठीक है भाई हम आपको 6 महीने में कहीं विदेश पर टूर पे भेज देंगे, आप भी हमारी स्कीम ले लो, इस पे इतना इंटरेस्ट है ना, आपको हम घर दे देंगे फ्री रहने के लिए। तो ऐसा करके तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लेके कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं आपके किसी एम्प्लॉय के उस पर भी टैक्स लगेगा। तो मैंने आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बता दिया था मैट, कि कंपनी कोशिश करती है कि उनको टैक्स ना देना पड़े, अपने खर्चे बढ़ा देती है और खर्चे बढ़ा के क्या है कि नेट प्रॉफिट बचता नहीं है और कंपनी साफ निकल जाती है टैक्स देने से। तो गवर्नमेंट ने मैट ले गए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसमें रूल बनाया गया कि हर कंपनी को इतना टैक्स आपको देना ही देना है, हालांकि वो बाद में एडजस्ट हो जाता है जो आप जो भी आपकी टैक्सेबल जो इनकम बचती है उस पर एडजस्ट हो जाता है। तो एक तरह का इसको आप एडवांस टैक्स भी दे सकते, कह सकते हैं। अच्छा, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है टैक्स एवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। किसी को जानकारी, अच्छा आप लोग ऐसा करिए 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैं अभी और 15-20 मिनट की क्लास लूंगा। ओके ओके सर। हाँ, अभी 20 मिनट की क्लास बहुत बची है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मतलब एक तो टैक्स चोरी सीधे सीधे हो गई, टैक्स इवेजन, और एक है टैक्स को बचाना, यानी टैक्स बचाना और टैक्स की चोरी करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। टैक्स बचाना या टैक्स से बचना, टैक्स अवॉइडेंस, और टैक्स इवेजन मीन्स टोटली इलीगल, मतलब टैक्स को बचाना, मतलब जैसे वो ब्लैक मनी जैसे होते हैं, ब्लैक इनकम होती है, ब्लैक मनी यानी आपने इनकम को छुपा लिया और टैक्स नहीं दिया उसमें। तो इनका क्या अंतर है, बताइए एनीवन? सर, टैक्स छुपाना ये है, भर देते हैं कुछ लोग ऐसे कंपनीज पर, और कुछ पार्ट उसमें छिपा लेती है अपने जो भी इनकम होती है, तो पूरा पूरे साल का उसका टर्नओवर कम दिखाते हैं।
तो इससे टैक्सेस को बचा लेते हैं सर। और टैक्स चोरी तो सर सरासर उसमें टैक्स को चोरी करते हैं, यानी कि अपना इनकम को बिल्कुल ही कम दिखाना सर, और बिल्कुल सर टैक्स न भरना। देखिए टैक्स, पहले मैं आपको बताता हूँ टैक्स इवेजन क्या होता है। टैक्स इवेजन का मतलब ये है कि मान लीजिए, मतलब टैक्स इवेजन का मतलब नंबर दो काम, हिंदी वर्ड है इसका कर चोरी है, सीधे 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 चोरी। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि किसी फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है, मान लीजिए रेडीमेड शर्ट बन रहे हैं, उस फैक्ट्री में से जब वो मान लीजिए 100 शर्ट निकली, यानी कोई छोटा दुकानदार है मान लीजिए, या कोई बड़ा दुकानदार है, कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। अब ये दुकानदार जब वो 100 शर्ट लेके आए उस फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री वाले ने क्या किया, वो आपको एक लालच देता है कि भाई ऐसा है कि अगर बिल नहीं लोगे तो मैं आपको ये शर्ट 200 रुपए की दे दूंगा, अगर आप बिल लोगे तो मैं ये शर्ट आपको 250 रुपए की दूंगा। तो कुछ लोग इस लालच में फंस जाते हैं कि भाई अगर मान लीजिए उसने 100 शर्ट ली और एक शर्ट पे 50 रुपए कम देने पड़ रहे हैं तो उसको 5000 का फायदा हो गया। तो अब क्या हुआ कि फैक्ट्री वाले ने बिल नहीं काटा। बिल काटने का मतलब क्या है, बिल बनाएगा उस पर टैक्स दिखाएगा, एक बिल बुक होगी, उस बिल बुक में मान लीजिए उसने 5 नंबर का बिल काटा, उसमें 200 रुपए की शर्ट हो गई, 10 रुपए टैक्स है तो 20 रुपए टैक्स हुआ, या ज्यादा हुआ तो उसी हिसाब से टोटल होगा। और जब वो बिल काटेगा अपने बिल बुक से तो उसको अपने रजिस्टर में भी एंट्री करेगा, जिसको लेजर बोलते हैं, लेजर में उसकी एंट्री करेगा, लेजर में एंट्री करेगा तो अपने रिटर्न में दिखाएगा, जो मंथली रिटर्न देगा वो या क्वार्टरली रिटर्न देगा, और रिटर्न में दिखाएगा तो फिर जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा तो उसमें भी दिखाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर वो बिल काट देता है, रजिस्टर में एंट्री कर लेता है, लेजर में रिटर्न में एंट्री कर देता है, फिर इनकम टैक्स में रिटर्न भर देता है ठीक से, तो कोई कर चोरी नहीं है। नो टैक्स इवेजन, नो टैक्स अवॉइडेंस, यानी ना उसने कर की चोरी करी है, ना उसने टैक्स को बचाने की कोशिश करी है, ना टैक्स से बचने की कोशिश करी है उसने। अब सोचिए उसने बिल नहीं काटा, जब उसने बिल ही नहीं काटा तो अपने रजिस्टर में भी एंट्री नहीं करेगा उस बिल की, जब बिल काटा ही नहीं तो एंट्री किसकी करेगा। उसके बाद फिर जब रिटर्न भरेगा तो रिटर्न में भी भूल कर जाएगा, रिटर्न में तो उतना ही दिखाएगा ना जितना रजिस्टर में या लेजर में एंट्री है उसकी। तो ऐसे ही जब लेजर में एंट्री नहीं है तो इनकम टैक्स में भी यही कह देगा कि जी मेरी तो कोई इनकम नहीं हुई, या मेरी जैसे जिस जो इनकम उसकी 100 बेच के हो रही है उस इनकम को छुपा ले। तो सबसे पहले उसने बिल नहीं काटा, बिल नहीं काटा तो लेजर में एंट्री नहीं करी, लेजर में एंट्री नहीं करी तो रिटर्न में एंट्री नहीं करी, रिटर्न मतलब सेल टैक्स रिटर्न, जो जीएसटी का रिटर्न, उसने जीएसटी रिटर्न में एंट्री नहीं करी, फिर इनकम टैक्स के भी रिटर्न में एंट्री नहीं करी। तो दिस इज टैक्स इवेजन। तो पहला एग्जांपल मैंने जो दिया था, बिल काटा, लेजर में एंट्री करी, जीएसटी के रिटर्न में एंट्री करी, इनकम टैक्स के रिटर्न में एंट्री की, तो वो हो गया टैक्स कंप्लायंस, उसके उसको टैक्स कंप्लायंट पर्सन, यानी ऑनेस्ट टैक्स पेयर। ये क्या है, टैक्स इवेडर, दूसरे वाला इसने बिल नहीं काटा, ये कर चोर है, कर की चोरी की है इसने। क्लियर? यानी जब आप अपनी अकाउंट बुक्स में अपनी सेल का
एंट्री नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, जो बंदा 66 लेके आया, जो दुकानदार, जो डीलर जो 66 लेके आया है, वो भी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बिल नहीं है उसके पास। तो जब क्योंकि जब लेजर में एंट्री करेगा तो लेजर में बिल का नंबर लिखना पड़ता है, तो जब वो खरीद के भी लाया तो खरीदने वाला भी नहीं एंट्री करेगा, जब बेचने वाले नहीं करी तो खरीदने वाला भी नहीं कर रहा। अब क्या है, मान लीजिए उसने 2-4 दिन में वो 66 बिक गई उसकी, तो वो अब वो भी यही करेगा। जैसे मान लीजिए आप शर्ट लेने के लिए गए तो ये कहेगा भाई ठीक है मैं आपको 210 की रुपए की शर्ट दे दूंगा, 210 रुपए की, अगर आप बिल लोगे तो मैं आपको 260 रुपए की दूंगा। तो कई बार लोग फंस जाते हैं, कहते ठीक है भाई हमें क्या करना है बिल का, बिल आप अपने पास रखो हमें तो शर्ट दे दो, पैसा लो 210 रुपए। तो ऐसे क्या हुआ कि वो जो खरीद के लाया उसने बिल नहीं लिया, लेजर में भी एंट्री नहीं करी, जीएसटी रिटर्न में भी एंट्री नहीं करी, फिर इनकम टैक्स के एंट्री नहीं करेगा और वो माल बिक गया। यानी इसको एक तरह से बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर मतलब एक तरफ तो बिल वाली, यानी जो बिल से चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, वो इकोनॉमी एक है, उसके समानांतर चल रही है। बस इसका जी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, खरीदा भी जा रहा है बेचा भी जा रहा है, लेकिन उसकी एंट्री कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है, लेजर में है न बिल बुक में है न किसी रिटर्न। तो इसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। जब टैक्स एवेजन, यानी जब ये कर चोरी की व्यवस्था भी चलती है और ईमानदार लोग भी हैं जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, इसको समानांतर अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक तरफ टैक्स दिया जा रहा है एक तरफ टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो जब बेचने वाले ने, यानी जब फैक्ट्री से इवेजन शुरू हुआ और वो लास्ट तक चला, यानी जब तक एंड कंज्यूमर ने, यानी किसी ग्राहक ने वो शर्ट नहीं खरीदी, अब क्या है देखिए उसमें एक चीज और भी होगी कि जब मान लीजिए सपोज करिए कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन 1 करोड़ का हो रहा है और 40 लाख का जो सेल हो रही है वो कैश में चल रही है, कैश में यानी बिना बिल के जो सेल हो रही है, तो उसी हिसाब से क्या करेगा, मान लीजिए उसकी फैक्ट्री में 50 लोग काम कर रहे हैं तो वो कितना दिखाएगा, जी मेरी फैक्ट्री में 30 लोग हैं, अगर वो मान लो उनको सैलरी 15,000 रुपए दे रहा है कितना दिखाएगा कि मैं तो जी 8,000 रुपए दे रहा हूं। तो उसी हिसाब से उसको सारा चीज मैनेज भी करना पड़ेगा, इसीलिए ये व्यवस्था टैक्सेशन की जरूरी है। जैसे इन्फोर्समेंट विंग होती है जो रेड वगैरह करती है, छापे डालती है, वो ऐसे ही व्यापारियों के छापे डालते हैं जो कर चोरी में लिप्त हैं, जो कर चोरी कर रहे हैं। अब एक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या हो सकता है, सर ये सर लीगल मेथड होता है सर टैक्स इवेजन के, टैक्स इवेजन की कंपैरिजन में ये सर लीगल होता है, सर इलीगल होता है, ये लीगल मेथड होता है। यस, ये मेथड नहीं होता है बेसिकली। देखिए ये क्या होता है कि कानून का मैनिपुलेशन होता है। देखा जाए तो टैक्स के हिसाब से तो दोनों एक ही प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना, यानी रेवेन्यू पर तो वही फर्क पड़ता है, बट टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वहां पर कुछ कंपनीज जो रूल्स होते हैं, जो लॉ बना हुआ है, उनको मैनिपुलेट करके या उनका सहारा लेकर के वो टैक्स बचाती हैं। क्या टैक्स बचाती हैं, वो कहती हैं कि हमारा खर्चा ज्यादा हो गया, जैसे इनकम टैक्स के केस में
इनकम टैक्स में क्या करेंगे, वो टैक्स बचाने के लिए अपना खर्चा ज्यादा दिखाएंगे, और अगर उनको जीएसटी बचाना होगा तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि जी वो जो इस, यानी अगर हमारे 1 करोड़ की सेल है तो वो 20 लाख की ऐसी सेल है, ऐसी चीजों की सेल है, उन कमोडिटीज की सेल है जिस पर टैक्स नहीं है एक्ट के हिसाब से। एक्ट में 19-20 कर लेते हैं, कहते हैं जी हम जो बेच रहे हैं उस पर टैक्स नहीं है, देख लीजिए आप अपने एक्ट में ये लिखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से ताना बाना ऐसा बुनते हैं कि वो टैक्स की लायबिलिटी कम लेते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस जो लीगल प्रोविजंस हैं टैक्स के, उनका सहारा लेकर के, उनकी आर लेकर जो टैक्स कम किया जाता है, टैक्स की लायबिलिटी कम की जाती है, वो होती है टैक्स अवॉइडेंस। जैसे आपने, आपके समाज में सीए रहते हैं और सीएस रहते हैं, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये ही काम है इनका। लोग इनके पास क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि भाई सीए साहब हमारा टैक्स कम करा दीजिए। तो सीए पूछता है कि क्या इनकम कम हुई है, कि नहीं साहब इनकम तो कम नहीं हुई, लेकिन पैसे खर्च हो गए, बचे नहीं है, अब टैक्स के रूप में देने लायक नहीं बचे उतने, कम करवा दो। तो फिर वो जोगत बढ़ाएगा कि अच्छा ऐसा कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो खर्चे दिखा दो, वहां के एक खर्चे दिखा दो, कुछ बिल बनवा लो, कुछ बिल ले लो, फेक बिल ले लो, ऐसा करके वो ना आपको सारे तिकड़म बताए कि वो ये नहीं कहेगा आपसे कि बिल्कुल चोरी कर लो, वही कहेगा अच्छा ठीक है मैं इससे बचवा देता हूँ, आप वैसे तो 1 लाख बन रहा था टैक्स, चलो ठीक है आप 30,000 रुपए दे दो, ये बना दिया, रिटर्न फाइल कर दिया उसने। तो उसने कहीं ना कहीं कानून का एक सहारा लिया, यानी कानून का जो इंटरप्रिटेशन है। जैसे सपोज करिए कि जीएसटी में जो ब्रांडेड आटा है उस पर टैक्स है, आप लोग ध्यान से सुनना कि ब्रांडेड आटे पर, जैसे आशीर्वाद का आटा आता है, आईटीसी कंपनी का जो आशीर्वाद आटा है उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो अनब्रांडेड है, यानी लोकल है, जैसे लोकल किसी चक्की में पिसा हुआ आटा है, बोरे में है, कट्टे में है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये कानून है, मतलब जीएसटी में दिया हुआ है कि अनब्रांडेड आटे पर टैक्स नहीं है, ब्रांडेड आटे पर टैक्स है, इसे वो आटे पर। तो अब ऐसा ही होता है, वो ये कहेगा अच्छे हमने इस महीने में जी अनब्रांडेड आटा बेचा, वैसे तो हम ब्रांडेड बेचते हैं लेकिन इस महीने हमने अनब्रांडेड आटा बेच दिया, तो अनब्रांडेड पर टैक्स नहीं है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हुई ना। लेकिन उसने क्या किया कि जीएसटी कानून का ही सहारा लिया, तो इसी को बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। व्हेन टैक्स लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड थ्रू लीगल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये टैक्स अवॉइडेंस है। और टैक्स अवॉइडेंस इज सिंपली when the sale and purchase are not shown in the account books, that is taxable. Clear hua? Yes sir. Ab aap bataiye aur kya padhaun main aapko taxation mein? देखिए अभी जो बहस चल रही थी कि भाई टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कभी आप लोग शांति सोच के बैठना कि अगर टैक्स नहीं लगा, ये टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं होगी
तो क्या क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पेचीदगियां क्या क्या आएंगे, क्या सिस्टम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रफ वर्क करिएगा एक किसी अपनी कॉपी पर कि क्या हम ऐसे सिस्टम पूरा चल सकता है बिना टैक्स के। अगर आपको ये लग रहा है तो कि बिना टैक्स के सिस्टम चल सकता है, तो अगर ये आंसर आपने खोज लिया और कन्विंस कर दिया तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो डिबेट का अच्छा पॉइंट है। आप लोग सोचिएगा इसके बाद। आप बताइए और टैक्स में आप क्या, आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो? क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है सब टॉपिक मैंने कवर कर दिए, मैंने जो जो लिखे थे आपके टॉपिक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, रेग्रेसिव टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन मतलब टैक्स वसूलने की लागत कम होनी चाहिए, इसमें टैक्स लगने में सर्टेनिटी होनी चाहिए यानी लगना ही लगना है कि नहीं लगना, दोनों चीजें होनी चाहिए। एक ये है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि यदि किसी कर की वसूलने की लागत ज्यादा है और जितनी रेवेन्यू है उससे भी ज्यादा है तो फिर टैक्स लगने का कोई मतलब नहीं है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होना चाहिए जिससे कि वो सॉरी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए जिससे कि जो कम इनकम है उनको कम परसेंटेज टैक्स देना चाहिए और जिन पे ज्यादा इनकम है उनको परसेंटेज ज्यादा देना चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस हो गया, टैक्स एवेजन हो गया, एबिलिटी टू पे हो गई, मैंने आपको बताया था एक बेनिफिट जो एनालिसिस है वो हो गया। टैक्स क्यों होना चाहिए, टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आजकल, ये चर्चा में नहीं आता कि टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए।